अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। चले जी, आज की जो वीडियो है वो है जी, हम अब अपनी आईब्रोज को किस तरह सेट कर सकते हैं, किस तरह से फिल कर सकते हैं बगैर पार्लर जाए। कभी होता है इंसान के पास टाइम ना हो, या मतलब ऐसे ही लेजी हुआ हो, आईब्रोज बनवाने का टाइम ना मिले और कहीं जाना पड़ जाता है अचानक से, तो किस तरह से हम अपने आईब्रोज को सेट करेंगे और उसको किस तरह से फिल करेंगे ताकि पता भी ना चले कि आईब्रोज बनी ही नहीं हुई है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले सॉरी अगर आप लोगों को बाहर का जो शोर है वो आ रहा हो, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने अपनी तरफ से तो एयरपोर्ट लगा लिए थे ताकि जो शोर है वो इसके थ्रू ज़रा कम ही आए, लेकिन अगर फिर भी आ रहा हो तो सॉरी। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी आईब्रोज बिल्कुल भी नहीं बनवाई हुई हैं, बस यहाँ से जब थोड़ी सी बड़ी होती हैं मैंने थोड़ी सी इसको बस कट किया हुआ है। ठीक है, खुद से कट किया हुआ है ताकि जो इसकी शेप है वो इक्वल रहे। अच्छा, अब चीज़ें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये इस तरह का पुली ब्रश, सिंगल हो वो भी चल सकता है, मतलब सिर्फ पुली ब्रश हो, पीछे पेंसिल ना हो। और साथ में आपको चाहिए ब्राउन कलर, तो ब्राउन कलर मेरे पास एज सच ये कंटूर वाला था, ये क्रिस्टाइन की है तो ये कंटूर वाला था, तो इसमें से हम ये वाला कलर चूज़ करेंगे। ठीक है, तो और साथ में हमें चाहिए कंसीलर, कंसीलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक पुली की मदद से आपने सबसे पहले अपनी जो आईब्रोज है उसको अच्छे से कॉम कर लेना है। ठीक है, कॉम करने के बाद अब आपने इस तरह का कोई फ्लैट ब्रश ले लेना है और इसमें से थोड़ा सा कलर लेना है और यहाँ से पहले स्टार्ट करना है नीचे से। जिनकी बिल्कुल लाइट है वो थोड़ा डार्क कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जिनकी थोड़ी लाइट, मतलब मेरी तो बिल्कुल नॉर्मल ही है, ज़्यादा लाइट नहीं है, तो इस वजह से मैं थोड़ा लाइटर कलर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ताकि इसके साथ जो है वो ज़्यादा कलर जो है वो उठ के ना आए। ठीक है, अच्छा अब हम कलर लेंगे और नीचे से स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लास्ट तक जाएंगे। इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो हमारा जो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस तरह से करना है ऊपर की तरफ, पहले ऊपर की तरफ करना है, फिर आपने इसके साथ ऐसे मिला देना है। अब करने के फौरन बाद आपने कॉम कर लेनी है ताकि जो एक्स्ट्रा है वो बालों के साथ खुद ही सेट हो जाए। ये चेक करें, ठीक हो गया। चलें इस तरह अब हम दूसरी वाली भी सेट कर लेते हैं। पहले नीचे से, मिड से स्टार्ट करना है और फ्रंट तक आना है। ठीक है, ये कलर जो है मैंने सेट कर लिया है, अब इसको हम अच्छे से कॉम करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा हमारा जो कलर है उसको हम डस्ट ऑफ कर सकें। चलिए ये हो गया, जो एक्स्ट्रा कलर है इसको हम फिंगर की मदद से साफ कर लेंगे। अच्छा अब चेक करें पहले में और अब में। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, कोई सा भी कंसीलर लेना है ध्यान से। ठीक है, जहाँ जहाँ बाल हैं उधर उधर आप लोगों ने लगा देना है, जैसे ये देखिए एक पूरी प्रॉपर शेप बनानी है। ठीक है, नीचे की तरफ, और ये ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कोशिश करनी है कि थोड़ा सा गैप छोड़ लेना है, जैसे ये मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ लिया है,
ताकि जब हम इसको अच्छे से स्प्रेड करें ब्रश की मदद से या ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से, तो ये हमारे बालों के अंदर ना चला जाए। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम दूसरी वाली फिल कर लेंगे। नीचे से बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ऊपर से तो थोड़ा सा इजी ही है। देखें जी, ये हो गया। अच्छा, अब ये देखें दरमियान में भी हल्के हल्के बाल हैं, ऐसे इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो आपने क्या करना है, ऐसे मिला देना, ठीक है, दरमियान। अभी इसको फिल नहीं करना। अच्छा, अब इस टाइप का ब्रश ले लेना है, ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, तो आपने कोशिश करनी है थोड़ा सा पतला ले लेना, ठीक है। मुझे मिला नहीं, मैं काफ़ी टाइम से ढूंढती थी, तो मैंने बस ये वाला यूज़ कर लिया। अच्छा, अब जो है, जब आपने नीचे वाली आईब्रोज का करना है, तो आपने नीचे की तरफ ब्रश की मदद से इसको फैलाना है। ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथों। ज़रा भी जोर नहीं लगाना, और कोशिश करनी है नीचे नीचे। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस तरह से ब्रश को पकड़ के जो ऊपर वाले हैं उनको ऊपर की तरफ से, और ये जो हमारे ब्रश पे ऑलरेडी लग चुका होगा कंसीलर, इसको इस तरह लेकर आना है और इस तरह फिल करना है। ठीक है, आप चाहे तो फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा कंसीलर अच्छा लगा था, ठीक है, क्योंकि इसके एक तो ब्रश भी थोड़ा उस तरह का होता है कि आप अच्छे से फिल कर सकते हो और आसानी भी रहती है। ये देखिए, ठीक है, अब जो है ये हमने ब्रश की मदद से कर लिया। अब हमने ले लेना है ब्यूटी ब्लेंडर, थोड़ा सा मैंने गीला किया हुआ था और अच्छे से इसको ड्राई कर लिया। अब प्रेस करना है आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ, इधर से भी, फर्क आप चेक कर रहे हैं। अच्छा, अब ऊपर से पहले दरमियान से कर लेते हैं। बस, तो ये चेक करें आप, मेरी जो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छे से इसको स्प्रेड कर लिया है और ब्रश की मदद से भी, और जो मेरे आईब्रोज है बहुत ही अच्छे से फिल हो चुकी हैं। और अब मैं ज़रा आपको पास से दिखा देती हूँ, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो फेस पाउडर से या लूज़ पाउडर से इसको सेट कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल बताने के लिए आपको किया है, लूज़ पाउडर मैंने अभी फ़िलहाल नहीं लगा रही हूँ, ताकि बहुत अच्छे से पता चल सके कि अच्छे तरीके से जो बाल हैं ये देखिए छुप चुके हैं, और अब बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि हमने आईब्रोज नहीं बनवाई हुई हैं, ठीक है। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको किस तरह की लगी है वीडियो, और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।